इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं GMCH चंडीगढ़ में जो पोस्ट निकली थी अभी उनके फॉर्म फिलअप के लिए डेट एक्सटेंड कर दी गई है और साथ ही साथ वैकेंसी भी बढ़ा दी गई है। तो कुछ वैलिड रीज़न के कारण यहाँ पर कहा गया है कि पोस्ट बढ़ा दी गई हैं और जो आपका एग्ज़ाम हो सकता है वो भी थोड़ा पोस्टपोन रहेगा जो डेट दी जाएगी, और सीट भी यहाँ पर बढ़ा दी गई हैं। जिन भी लोगों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया था वो लोग प्लीज़ फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन इन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो GMCH की जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ पर आपको पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन एक बार बता दिया गया जब 162 पोस्ट आई थी, बट यहाँ पर पोस्ट है जो बढ़ा दी गई हैं, 182 पोस्ट कर दी गई हैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर जो पहले जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आई थी तो ये नवंबर में इन्होंने कहा था कि नवंबर में वैकेंसी निकाली गई थी, बट कुछ रीज़न से अब यहाँ पर डेट बढ़ा दी गई है। तो जिन भी लोगों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया था वो लोग फॉर्म फिलअप कर लें, 15 फरवरी लास्ट डेट रखी गई है। और जो फीस रहेगी फ़ीस के लिए डेट है 18 फरवरी, तो कोशिश कीजिए कि आप 15 फरवरी में ही अपना फ़ीस और पूरा फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना है GMCH की ऑफिशियल वेबसाइट से, बाकी सभी टर्म्स कंडीशन सेम रहेंगे। पहले पोस्ट थी 162 और अब पोस्ट 182। तो ड्यू टू कोविड के कारण मेरी पूरी फैमिली पॉजिटिव है, मेरे दोनों बच्चे, हस्बैंड इवन मैं भी, इसलिए अभी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं, बट विद इन कोशिश की जाएगी जैसे ही फुल रिकवरी होती है तो आपको कंटिन्यूस क्लासेस भी स्टार्ट करवाई जाएंगी। तो जिन भी लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है प्लीज़ फॉर्म को फिलअप कीजिए, 15 फरवरी लास्ट डेट है। और बाकी सभी जो कंडीशंस हैं जो नोटिफिकेशन आया था नवंबर 2021 में पूरा सेम है, बस यही चेंज है कि वैकेंसी एक्सटेंड हो गई है और डेट एक्सटेंड सॉरी वैकेंसी बढ़ा दी गई हैं और डेट भी एक्सटेंड हो गई है। तो प्रीवियस नोटिफिकेशन था वो इस टाइप से आप वेबसाइट पर देख सकते हैं, मैंने पूरी वेबसाइट ही ओपन करके रखी हुई है। तो जिन भी लोगों ने फॉर्म को फिलअप नहीं किया है यहाँ पे जाके आप फॉर्म फिलअप कीजिए, लॉगिन कीजिए, रजिस्टर्ड कीजिए। तो पहले जो डेट थी एप्लीकेशन फॉर्म की वो नवंबर 2021 रखी गई थी, बट यहाँ पर डेट सबमिशन है जो एक्सटेंड कर दी गई है, अब कर दी गई है 15 फरवरी 2022। पहले कितनी थी 27 दिसंबर 2021, बट अभी डेट एक्सटेंड की गई है तो 15 फरवरी 2022 कर दी है। फीस है जो SBI की किसी भी ब्रांच से आप 18 फरवरी 2022 तक है जो भर सकते हैं। बाकी सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन, हाउ टू अप्लाई, जनरल इंस्ट्रक्शन, पब्लिक नोटिस, सभी चीज़ें सेम हैं जो पहले थीं। तो जिनने उस टाइम चेक नहीं किया था तो वो लोग कर लें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लेके सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि कौन एलिजिबल है या कौन नहीं। तो पहले पोस्ट 162 थी बट अभी एक्सटेंड हो गई हैं तो 182 पोस्ट हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास GNM, BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन हो, और आपको थोड़ा बहुत ICT स्किल कोर्स है जिन्होंने किया है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पूरी चीज़ें आप डिटेल में यहाँ पर नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है कैसे अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, तो ऑल ओवर सभी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। मे बी आपको कोई भी डाउट ना हो तो 70% है जो आपको एग्ज़ाम होगा, आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, 70 मार्क्स आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से होंगे, 30 आपका जो रिलेवेंट फील्ड से क्वेश्चन रहेंगे वो आएंगे, तो टोटल 100%। और यहाँ पर पासिंग मार्क्स भी दिए हुए हैं कि आपको कितने चाहिए, निगेटिव मार्किंग भी आपकी यहाँ पर होगी, एंड कोई भी आपका पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा, आपका सिलेक्शन बेस्ड ऑन योर रिटन एग्जाम एंड देन मेरिट लिस्ट आएगी, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो पूरा नोटिफिकेशन आप लोग GMCH की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके रिक्रूटमेंट सेक्शन को ओपन कीजिए नर्सिंग वाले को, तो यहाँ पे आपको सभी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।